हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो बेबी कंसीव करना चाहती है, जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी किसी भी महिला का बच्चेदानी का मुंह कब तक खुला रहता है। जब बच्चेदानी यानी कि यूट्रस का मुंह खुला रहता है, उस दौरान रिलेशन बनाने से गर्भ ठहर सकता है क्या? फ्रेंड्स, जब किसी महिला का पीरियड लास्ट हो जाता है तो उसके बाद महिला का गर्भाशय या बच्चेदानी का जो मुंह है वो अच्छी तरीके से खुल जाता है। यानी कि पीरियड जब आपका लास्ट होता है तो उसके बाद बच्चेदानी का मुंह भी ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं का मानना है कि जब बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है यानी कि पीरियड खत्म होने के बाद रिलेशन बनाने से गर्भ ठहर जाता है। आपने पुराने समय के लोगों से सुना होगा या हमारे दादी नानी से सुना होगा कि जैसे ही आपकी पीरियड खत्म होते हैं उसके बाद रिलेशनशिप में रहिए, इससे आपका जल्दी से गर्भधारण हो जाएगा। और बहुत सारी महिलाओं को ऐसा करने से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। फ्रेंड्स, अब सवाल यह उठता है कि महिला का ओवुलेशन डे पीरियड शुरू होने के 14वें दिन आता है और ओवुलेशन डे में ही महिला के ओवरी से एग निकलकर बाहर आता है फैलोपियन ट्यूब में और यह पूर्ण रूप से परिपक्व अंडा होता है। और इस दौरान पुरुष का स्पर्म महिला के एग से मिलता है तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड खत्म होता है तो उस समय अंडा पूरी तरह से परिपक्व नहीं रहता है, तो इस समय महिला प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? फ्रेंड्स, इसका रीजन यह होता है कि जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल कम दिनों की होती है, सामान्यतः महिलाओं की पीरियड साइकिल 28 दिनों की होती है, लेकिन कुछ महिलाओं को पीरियड 20 दिन या 21वें दिन में ही आ जाते हैं। ऐसे में उनका ओवुलेशन डे भी जल्दी आता है और अंडा जल्दी ही परिपक्व होकर ओवरी से बाहर आ जाता है, जिसे अर्ली ओवुलेशन भी बोला जाता है। महिला का पीरियड साइकिल कम दिनों का होने की वजह से ओवुलेशन डे 8वें दिन भी हो सकता है, 9वें दिन भी हो सकता है या 10वें दिन भी हो सकता है। और पीरियड खत्म होने के बाद यदि महिला रिलेशनशिप में रहती है तब पुरुष का स्पर्म अंदर चला जाता है और स्पर्म ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है। और कभी कभी महिला के ओवरी से अंडा जल्दी परिपक्व होकर बाहर निकल जाता है। इस दौरान पुरुष का स्पर्म उपलब्ध होने पर गर्भधारण की प्रक्रिया होती है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। फ्रेंड्स, पीरियड खत्म होने के बाद रिलेशनशिप में रहने से सभी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन कुछ महिलाएं कंसीव कर लेती है, उनका गर्भ ठहर जाता है, जिनका कि ओवुलेशन डे जल्दी आता है। तो फ्रेंड्स, पीरियड खत्म होने के बाद गर्भाशय का मुंह खुला रहता है और इन दिनों रिलेशनशिप में रहने से बेबी कंसीव हो सकती है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।